मनोज यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास प्रोग्राम में। इन दिनों बॉलीवुड में एक ही कपल की बेहद ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। ये कपल और कोई नहीं बल्कि अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा का ही कपल है। 19 अप्रैल को दोनों की शादी और जब 19 अप्रैल निकल गई तो एक बार फिर से इन दोनों की शादी की चर्चाएं जोरों पर हुई। अब कहा जा रहा है कि अप्रैल नहीं जून में इनकी शादी हो सकती है। वेल, इन तमाम अटकलों और साथ ही अफवाहों के बीच अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि एक ऐसी कोरियोग्राफर भी हैं जो कि इनके रिलेशन को पुष्टि करती हुई दिख रही हैं और साथ ही साथ ये बता रही हैं चीख चीख कर कि भाई अर्जुन और मलाइका तो एक दूसरे के पूरे तरीके से दीवाने हो गए हैं। दरअसल हाल ही में फराह खान ने कुछ कहा है मलाइका अरोड़ा को, उनकी तस्वीर को, और साथ ही साथ हाल ही में हमने आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए दिखाया था कि कैसे पूल में उतरी थी मलाइका अरोड़ा। एक बार फिर से हम आपको दिखा देंगे, लेकिन इसी बीच फराह खान ने क्या कहा है मलाइका अरोड़ा और अर्जुन को लेकर, आइए आपको दिखाते हैं। मलाइका अरोड़ा इन दिनों अर्जुन कपूर के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर बेहद ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। खबर इस तरह की थी कि 19 अप्रैल को शादी करने वाले हैं अर्जुन और मलाइका, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह ही निकली। दोनों ने अब अपने रिश्ते को मीडिया के सामने कबूलना शुरू जरूर कर दिया है। अक्सर ये कपल साथ में स्पॉट जरूर किया जाता रहा है, लेकिन जो शादी की इनकी खबरें रही हैं ये महज खबरें ही रह गई हैं। मलाइका अरोड़ा सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं, ये बात शायद आप सभी जानते ही होंगे। वो अक्सर ही अपनी बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, तो वहीं पिछले दिनों मलाइका और अर्जुन मालदीव्स में घूमने के लिए गए थे। मलाइका ने इस हॉलीडे की कई सारी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था और इन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर थी मलाइका अरोड़ा की अंडर वाटर, जहाँ अंडर वाटर मलाइका अरोड़ा एक वाटर बेबी की तरह लगातार ही स्विमिंग करती हुई नजर आ रही थी। मलाइका पानी के अंदर बिकिनी में स्विमिंग कर रही हैं और वहीं ये तस्वीर वायरल हो रही है, तो वहीं इस तस्वीर पर फराह खान ने ऐसा कमेंट किया कि मलाइका ने उन्हें सरेआम गाली दे दी। मलाइका ने अपनी इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, द स्टिलनेस द काम इट्स मेडिटेटिव, यानी मलाइका ने इसे मेडिटेशन का एक पार्ट बताया। फराह खान ने मलाइका से सवाल पूछते हुए लिखा, अब ये अंडर वाटर तस्वीर कौन ले रहा है, ये तस्वीर किसने क्लिक की है। मलाइका फराह खान का सवाल देखकर जोर से हंसती हैं और रिप्लाई करती हैं, हा 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 कमीनी, यानी कि जैसे कि अक्सर ही दोस्तों में ये बातें कह दी जाती हैं, जैसे कि कह दिया जाता है जो मलाइका ने कहा है वो अब वायरल हो रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि ये तस्वीर तब की है जब मलाइका और अर्जुन साथ में मालदीव्स घूमने के लिए गए थे, तो वहीं तभी से ही ये तस्वीर वायरल होने लगी और चर्चाएं होने लगी कि अर्जुन और मलाइका फिर से साथ में घूमने के लिए गए हैं, फिर से अर्जुन मलाइका चोरी छिपे घूमने गए हैं। लेकिन भाई बाद में तो सारी की सारी खबरें सामने आ ही जाती हैं, तो भाई चोरी करने का मतलब क्या बना, चोरी छिपे रह जाने का फायदा क्या हुआ, ये फैंस द्वारा कहा जा रहा था। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं है जब फराह खान ने मलाइका की तस्वीरों पर इस तरह से सवाल पूछे हों। इससे पहले भी मलाइका की तस्वीरों पर फराह खान ने उनसे सवाल पूछा है। वो पहले भी पूछ चुकी हैं कि कमीनी ये तस्वीर कौन क्लिक कर रहा है। उनके इस कमेंट पर रिप्लाई करते हुए मलाइका ने कहा, कमीनी मैं वापस आकर बताऊंगी, यानी कि जिस तरह की दोस्ती इन दोनों के बीच देखी जा रही है, जिस तरह की बॉन्डिंग इन दोनों के बीच देखी जा रही है, उससे कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भाई दोस्तों में ये तो आम बात है जो मलाइका और साथ ही साथ फराह एक दूसरे को काफी टाइम से कह रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जहां लगातार ही अर्जुन और मलाइका की शादी की अटकलें आ रही हैं, शादी की खबरें आ रही हैं, तो वहीं इसी बीच मलाइका अरोड़ा जहां इस बार अंडर वाटर पूल में नजर आई थी, तो वहीं अब खबर है कि जून में इन दोनों की शादी हो सकती है। हालांकि खबरें पहले भी वायरल हुई थी, खबरें अब भी वायरल हो रही हैं। अब देखते हैं कि क्या जून में भी इन दोनों की शादी होती है या फिर इसी तरह से खबरें ही रह जाती हैं।